उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को ही अवैध संबंधों और दो मोबाइल रखने के शक में कुल्हाड़ी से काट दिया। दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने के बाद पति खुद ही थाने पहुंच गया। आरोपी के मुताबिक उसकी पत्नी किसी से बात करती थी, जो बार बार समझाने के बाद भी बात नहीं मान रही थी, गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल मामला जनपद मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी अपने परिवार के साथ रहता था। 2011 में आरोपी अपनी बीवी को 10,000 रुपए में खरीद कर लाया था, जिससे 3 बच्चे भी हैं। देर रात आरोपी जैसे ही घर पहुंचा तो बीवी को रंगे हाथ पकड़ लिया। बीवी का जब विरोध किया तो मामला बढ़ गया और गुस्से में पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट दिया। घटना करने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गए और जैसे ही पुलिस ने घटना सुनी तो सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला के साथ बहुत दिन से गई है, बहुत समझा रहा है क्या इसकी समझ में आई। रात और दिन फोनों के बाद तो मोबाइल रखे ही है, बहुत मैंने करा, बहुत समझाया, समझ में आई। कई बार मैंने धमकी दी है, मेरे पीछे 2-3 मोड़े भी लगा दी है। कल दोपहर में भट्टी के साथ मुँह का पेट आया, मैंने खाना दे दी, मुझे खाना दिया है। मैंने ज्यादा कहीं सुनी तो मैं राशन भी ले गया, चावल लाई गया, लाइक ज्यादा मुझसे बर्बाद कर दिया। चुप करके खाना खा ले, खाना है तो बच्चे हाथ मिले नहीं, बच्चे सुबह 4 बजे चार बजे बच्चे में चला जाता। फिर क्या हुआ? सुबह तीन लोग क्या मारा? खिलाड़ी मारा। फिर तुम कहाँ आ गए? सीधे घर पे आए। क्या कहने बच्चे कहाँ गए तुम्हारे? बच्चे कहाँ थे? बच्चों पहले घर पे चले गए, पहले घर हमारे सब पहले भाई साहब भेज दिए थे पहले ही। बच्चों को भेज दिया था? ना, सो रहे थे, बच्चे उठाए गए। उठाए कि तेरी माँ को मार दिया हमने? मार दिया, चलो। बीती रात्रि लगभग 3 बजे कस्बा बिलारी में मोहल्ला महाजनान में एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या करने के बाद अभियुक्त स्वयं चलकर थाने पर आया, उसी के माध्यम से ही पुलिस को प्रथम जानकारी घटना की हो पाई।